वेलकम बैक गाइज एंड गुड मॉर्निंग। आज मैं अपनी थार का एक ऐसा ओनरशिप रिव्यू एक्सपीरियंस जैसा वीडियो बना रहा हूँ। ये कार लिए हुए अराउंड 1.5 मंथ हो गया है। 18th मई को ये गाड़ी लिया था एंड अराउंड 4000 किलोमीटर्स हो गया है इसका। एंड ओवरऑल इट हैज बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, बट आई वॉन्ट टू ब्रेक डाउन द प्रोज एंड द कॉन्स दैट आई हैव एक्सपीरियंस इन दिस। सो वो मैं आपको एक पॉइंट वाइज बताऊंगा। एंड समथिंग न्यू दैट आई एम गोइंग टू ट्राई इन दिस वीडियो इज आई एम गोइंग टू मेक चैप्टर्स समवेयर ऑन द लेफ्ट साइड of your screen you'll see this little option to scroll through the chapters to try it out. तो चलिए अभी आपको मैं इसका एक एक्सटीरियर वॉक अराउंड देता हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो एक गाड़ी का स्टांस देखते हैं, द स्टांस इज वेरी स्ट्रांग। ओवरऑल उसका जो लाइटिंग सिस्टम है, द हेडलाइट्स आर प्रीटी पावरफुल इन द नाइट, दीज पेनिट्रेटिंग एलईडी डीआरएल्स, द फॉग लैंप्स, जहां जगह मिली वहां पे महिंद्रा ने अपना जो थार का ब्रांडिंग है वो किया हुआ है, यहाँ पे क्रोम में किया हुआ है, मिरर्स पे भी इनका ब्रांडिंग है, व्हील्स पे भी इन्होंने ब्रांड यहाँ पे। सो ओवरऑल इन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं है ब्रांडिंग करने में। दीज आर द स्टेप अप्स टू गेट इनटू द कार। ये भी एक अच्छा टच है, लाइक वेरी गुड लुकिंग, लाइक ये एस्थेटिक का एक पार्ट बन गई है। अभी थोड़ी सी बारिश होने लगी है। पुणे में क्या हो रहा है, कुछ दिनों से पुणे का वेदर है ना काफ़ी मैसअप हो गया है। लाइक इट रेन सडनली, इट स्टॉप्स रेनिंग, देन 4-5 दिन बारिश नहीं होगी, फिर वापस बारिश शुरू होगी। सो आई विल क्विकली फिनिश दिस वॉक अराउंड, फिर मैं आपको इंटीरियर का दिखाता हूँ। तो इन्होंने यहाँ पे काफी सारे फीचर्स दिए हुए हैं, लाइक मीडिया, रेडियो, एडवेंचर में आप जाके ऑन रोड में जाके स्टेटिस्टिक्स देख सकते हैं, जैसे कि स्पीड, द पावर, टॉक, डिलीवरी। मैं स्टीयरिंग टर्न करता हूँ तो ये भी टर्न होगा, देन द डिग्रीज ऑफ द एलिवेशन और द डिक्लाइन वो भी दिखाता है। यू कैन सेट अ बंच ऑफ थिंग्स इन द कस्टम्स, बट वो अभी मैंने किए हुए नहीं है। फिर रेडियो में जाता है एंड देन एप्पल कारप्ले इन्होंने दिया हुआ है, जैसे कि अभी मेरा आईफोन कनेक्टेड है, आई कैन एक्सेस ऑल कार इन्फो। कार इन्फो में आपको अलग अलग, जैसे कि अभी मेरे ये राइट रियर टायर में थोड़ा सा प्रेशर कम है तो वो भी दिखा रहा है मुझे। देन एडवेंचर कनेक्ट, ब्लू सेंस करके इनका एक ऐप है। ये जो ब्लू सेंस ऐप है ये मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है बट मैंने अभी तक यूज नहीं किया हुआ है। देयर इज अ बंच ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू इन दैट एप्लीकेशन। इको सेंस जो कि आपका बाकी का एवरेज स्कोर वगैरह है। जो फ्यूल इकोनॉमी अभी मुझे 8.2 लीटर्स का दे रहा है। एक चीज मैं फ्यूल इकोनॉमी का बताना चाहूंगा, इन्होंने क्लेम किया हुआ है, लाइक महिंद्रा क्लेम करती है, लाइक इट विल गिव यू अराउंड 10-11 किलोमीटर्स ऑफ माइलेज ऑन द पेट्रोल वर्जन, बट आई हैव नेवर सीन अ माइलेज अबव 8.2, सो दिस इज द हाईएस्ट दैट आई हैव सीन। तो ये एक थोड़ा सा एक ड्रॉबैक मैं बोलना चाहूंगा। इट इज अ पावरफुल कार एंड ऑटोमेटिक गाड़ी है, सो दीज थिंग्स आर अंडरस्टैंडेबल, बट जिन लोगों को ऐसा कंसर्न है माइलेज का वगैरह, उन्होंने थोड़ा सा इसके ऊपर विचार करना चाहिए। वेरस डीजल का वो क्लेम करते हैं 14 या 15, बट उस पे वो 12 या 13 ही देता है। मैं डीजल के ऊपर भी एक ओनरशिप वीडियो बनाऊंगा, इन दैट वीडियो आई विल मोस्ट प्रोबेबली टेक माय डैड एज वेल, ही इज अ वेरी कूल गाय, यू विल गेट टू मीट हिम एंड लेट्स सी इफ ही इज कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा उसके। एनीवे नेक्स्ट वीडियोस में आप देख लेंगे। मूविंग ऑन, ये हो गया इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत अच्छी चीज जो मुझे लगी, जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है गाड़ी का, इट इज वेरी पावरफुल। लाइक एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सिस्टम्स आई हैव सीन इन एनी कार। यहाँ पे इसका जो ये गियर लीवर एंड ये टू व्हील फोर व्हील शिफ्ट करने का जो नॉब है, एक अच्छा इसको एक क्रोम का ट्रिम दिया हुआ है। द फिट एंड फिनिश इज वेरी क्लासी। एंड उसके अलावा यहाँ पे भी जो स्टोरेज कंपार्टमेंट है, इसको भी एक क्रोम का ट्रिम है। इसके जो विंडो के कंट्रोल बटन है, इन्होंने यहाँ पे सेंटर में दिए हुए हैं, बिकॉज एज मोस्ट ऑफ यू नो कि इसके जो डोर्स है ये रिमूवेबल है इन केसेस ऑफ ऑफ रोड, और इन जनरल आप ये डोर्स निकाल सकते हैं बाहर से एंड देन फिक्स देम अगेन, सो दैट इज अ होल अनदर स्टोरी। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक गुड कैबिन स्पेस जो है, एक बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल एक्सपीरियंस आपको देता है, लाइक अ वेरी स्पेशियस एक्सपीरियंस ओवरऑल। आई एम 6'1", जैसे मैंने अपने हिसाब से सीट सेट करके रखा हुआ है, एंड पीछे के जो सीट है वहां पे भी मेरे हाइट का एक पर्सन एक कंफर्टेबली बैठ सकता है, लाइक आई विल शो इट टू यू इन अ सेकंड। दूसरा जो यहाँ पे ओवरहेड स्पेस है वो भी बहुत अच्छा है, लाइक देयर इज नथिंग टू कंप्लेन इन टर्म्स ऑफ स्पेशियसनेस ऑफ दिस कार। मैं अभी पीछे जाके आपको दिखाता हूँ, लाइक आई वोंट चेंज द सेटिंग ऑफ दिस सीट, आई विल जस्ट शो यू, आई विल गो बिहाइंड एंड आई विल शो यू हाउ कंफर्टेबल इट इज इन द बैक। सो कम,
अभी मैं कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ एंड दीज आर चिल्ड्रन सीट बेयर इन माइंड बट मैं कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ लाइक बेयरली टच हो रहा है मेरा अभी नी यहाँ पे सामने के सीट को एंड लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेवल किया हुआ है मैंने इसके बैक सीट में द ओनली थिंग दैट कंसर्न्स मी इज अंडर थाई सपोर्ट ज्यादा नहीं है इसलिए थोड़ी देर बाद थोड़ा सा अनकंफर्ट हो जाता है बट दैट इज अंडरस्टैंडेबल सिंस दीज आर चिल्ड्रन सीट ये सीट का है ना थोड़ा सा हम जो बैक रेस्ट है वो थोड़ा इंक्लाइन भी कर सकते हैं देयर इज अ सेटिंग इन द बैक वो मैं थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ सो दैट इज अ गुड फीचर एज वेल अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे भी हेड स्पेस ओवर हेड स्पेस जो है वो काफी अच्छा है नथिंग टू कंप्लेन अबाउट ये जो इन्होंने ये सिस्टम जो है ये कन्वर्टेबल का इसको अच्छा पैडिंग दिया हुआ है कि अगर मैं ऐसा अपना सिर बैंग भी कर दूं तो लगेगा नहीं क्योंकि पैडेड है अच्छे से इसका जो आपको बता रहा था कि पीछे का जो आप ये बैक रेस्ट है ये इंक्लाइन कर सकते हैं सो जस्ट पुल ऑन दिस एंड इसको थोड़ा सा ऐसा पीछे ले लेंगे तो आपको एक कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर मिल जाता है इसके जो दोनों भी फ्रंट सीट्स है द ड्राइवर एंड द पैसेंजर इसका एक अच्छा फीचर है जो बहुत सी गाड़ियों में आता है आजकल सम हैव इलेक्ट्रॉनिक सम हैव एनालॉग इसमें एनालॉग फीचर दिया हुआ है जैसे एक नॉब दिया हुआ है टू एडजस्ट द लंबर सपोर्ट ये मैं आगे करके इसका लंबर सपोर्ट एडजस्ट कर सकता हूँ इसका जो एक बेनिफिट है वो आपको एक अच्छा ड्राइविंग पोस्चर देता है इन लॉन्ग डिस्टेंसेस अभी आइए मैं इसका बूट स्पेस आपको दिखाता हूँ मैंने जब ट्रैवल किया था मैं कोल्हापुर गया था तो इसका बूट स्पेस मुझे थोड़ा सा इनएडिक्वेट लगा लाइक दे कुड हैव डन अ मच बेटर जॉब एट डिजाइनिंग द इंटीरियर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ बिट मोर ऑफ बूट स्पेस बट देन अगेन अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि मोस्टली दो लोग ही ड्राइव करेंगे तो सामान कितना ही होगा बूट स्पेस ज्यादा नहीं दिया हुआ है लाइक यू कैन फिट टू मिड साइज सूटकेसेस प्रीटी वेल उसके अलावा ज्यादा कुछ सामान तो रख नहीं सकते इफ यू वांट इफ ओनली टू पीपल आर ट्रैवलिंग एंड इफ देयर इज अ बंच ऑफ स्टफ यू कैन जस्ट ऐसे आगे ले सकते हैं आप इसे सिमिलरली इसको भी आगे ले लिया तो आपको एक अच्छा बूट स्पेस मिल जाता है मैं थोड़ा सा इसका जो ड्राइविंग कम्फर्ट है उसके बारे में आपको बताता हूँ लाइक वन थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड इज जब लॉन्ग डिस्टेंसेज जाते हैं सो देयर इज नो एक और देयर इज नो फटीक हम थकते नहीं है ये गाड़ी में द रीजन बिहाइंड इट इज मैंने एक नोटिस की चीज की जैसे कि अगर आप एंडेवर या फॉर्च्यूनर में बैठे होगे वो गाड़ी है ना थोड़ी सी ऐसे बोट के जैसे हिलती है बिकॉज दोज कार्स आर ह्यूज तो थोड़ा सा ऐसा बोट के जैसा हिलता है उनका जो सस्पेंशन है वो उतना रिफाइंड नहीं है तो वो है ना थोड़ा सा एक बॉडी में ऐसा हमारा बॉडी भी थोड़ा उसके साथ में हिलता है एंड दैट एक्चुअली कॉजेज वो जो थकावट होती है वेरेज इसमें इसका जो सस्पेंशन है वो ऑफ रोड के हिसाब से थोड़ा सा स्टिफ है तो गाड़ी आपका बहुत स्टेडी चलता है तो इसमें हम थकते ही नहीं है दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट दैट आई हैव नोटिस्ड सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ है तो बॉडी रोल भी ज्यादा नहीं होता है एंड ऑल्सो द सीट कुशनिंग इज वेरी एप्ट फॉर दैट जो बॉडी मूव होने से ज्यादा वो रोकता है इसका जो टर्निंग रेडियस भी है काफी अच्छा दिया हुआ है जो स्टीयरिंग भी है बहुत ही अच्छा रिफाइंड है एक हाथ से मैं इसको टर्न कर पा रहा हूँ अच्छे से एंड द ओनली थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड इज जब गाड़ी 80 या 100 के ऊपर जाता है सिंस द रूफ इज कन्वर्टेबल एंड इट इज मेड आउट ऑफ कैनवस वो थोड़ा बहुत वाइब्रेट होता है लाइक जैसे कि मैं अभी एम्प्टी रोड है मैं आपको दिखाता हूँ अभी मैं जैसे 80 के ऊपर जाता हूँ तो थोड़ा सा रूफ हिलता है आपको दिखाई देगा एंड वो थोड़ा सा एक साउंड क्रिएट करता है दैट इज नॉट वेरी अनकम्फर्टेबल उसका वो नोटिस भी नहीं होता थोड़ी देर बाद साउंड बट थोड़ा बहुत साउंड रहता है गाड़ी कन्वर्टेबल है तो कैनवस के कारण थोड़ा बहुत बाहर का साउंड अंदर आता है बट दैट इज नॉट नोटिसेबल उन्होंने अच्छा उसका जो सीलिंग किया हुआ है अच्छा सील किया हुआ है नॉट द बेस्ट बट वेरी गुड अभी मैं इसका कन्वर्टेबल टॉप निकाल के और लगा के दिखाता हूँ इसको निकालने और लगाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है बट इट इज अ बिट ट्रिकी एंड टू शो दैट मोर एक्यूरेटली मैं अपने फोन के ऊपर टाइमर लगाता हूँ तो उससे पता चलेगा हमें एग्जैक्टली निकालने में टाइम कितना लगता है एंड वापस लगाने में टाइम कितना लगता है सो लेट्स स्टार्ट दैट ये मैं टाइमर लगा देता हूँ रूफ निकालने के लिए पहले तो हमें ये विंडोज निकालने पड़ेंगे ये इन्होंने यहाँ पे वेलक्रो दिया हुआ है एंड अंदर से चेन है इसका एक ड्रॉबैक भी मुझे ये लगता है कि ये जो चेन्स दिए हुए हैं इन्होंने ये थोड़ा सा अनसेफ है लाइक ऐसे मैं बाहर से भी खोल सकता हूँ इसे सो विच इज नॉट वेरी प्रैक्टिकल आप अंदर कुछ एक्सपेंसिव सामान नहीं रख सकते हैं आपका एंड ये ऐसे चेन ये निकल गया इन्होंने इसके ऊपर लेफ्ट एंड राइट का इंडिकेशन दिया हुआ है ये लेफ्ट वाला है इसे हम रख देते हैं यहाँ पे पीछे अभी के लिए तो ये पीछे का इस हिसाब से निकल गया इसे यहीं पे बूट स्पेस में
फोल्ड करके रख देते हैं। अब ये पीछे वाला सेम जिस तरह से हमने लेफ्ट वाला निकाला था उसी तरीके से ये राइट वाला भी निकालते हैं। तो ये दूसरा लैच भी निकल गया एंड ये अभी रूफ रिलीज हो गया है। तो अभी इसे निकालने के लिए वन पर्सन कैन डू द जॉब, बट थोड़ा सा है ना वो मेहनत हो जाता है एंड थोड़ा सा करतब करने पड़ते हैं उसके लिए। इफ देर आर टू पीपल देन इट इज अ कंफर्टेबल जॉब। आज मेरे साथ में मेरा फ्रेंड है रौनक, सो ही विल बी हेल्पिंग मी आउट विद इट। तो अभी मैं ये रूफ ऊपर लेके आपको दिखाता हूँ। तो इसको हमें लगा टोटल 5 मिनट 30 सेकंड्स। उसमें थोड़ा बहुत एक आधा मिनट हमारा गया यहाँ पे कैमरा एंगल्स चेंज करने में, बट अराउंड 4 to 5 मिनट्स इसको खोलने में लगते हैं, विच इज आई थिंक रीजनेबल। अभी इसका एक वॉक अराउंड देता हूँ मैं आपको, बिकॉज द कार लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग व्हेन द रूफ इज ऑफ। एंड ऐसे मौसम में तो और भी ज्यादा मजा आता है लाइक ऐसे चलाने में, एंड टू गेट द होल एक्सपीरियंस ऑफ अ कन्वर्टेबल थार, वो एक एक्चुअली रीजन था एक कन्वर्टेबल थार लेने के पीछे। रौनक ने फर्स्ट टाइम ये देखी हुई है थार ऐसे कन्वर्टेबल, सो वो अभी अंदर से पूरा चेकआउट कर रहा है। रौनक कैसी है? अच्छा व्यू आ रहा है अंदर से। या द व्यू इज ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ पीछे के सीट से भी, लाइक यू गेट दिस मैसिव 360 डिग्री व्यू। ये थोड़ा सा जो स्पीकर सिस्टम है ये थोड़ा सा बीच में आ जाता है व्यू के बीच में, बट दैट इज नॉट एन इशू। बाकी जो है आप यहाँ पे खड़े भी हो सकते हैं, बट वेरी वेरी गुड व्यू, लाइक 360 पूरा आपको दिखाई देता है। सो या थोड़ा सा अभी इसमें ड्राइव करके आते हैं एंड कुछ और थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो शेयर करना चाहूँगा आपके साथ में एज एन ओनर ऑफ दिस थार। सो अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो आप भी वो पॉइंट्स कंसिडरेशन में ले पाएंगे। अभी जस्ट हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, बट दैट इज़ नॉट एन इशू। मैंने कहीं पे रीड किया था कि द होल सिस्टम इनसाइड इज स्लाइटली वाटर रेजिस्टेंट, इट इज़ नॉट वाटर प्रूफ, इट इज़ वाटर रेजिस्टेंट। कन्वर्टेबल करने के बाद एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आता है, यू गेट टू लुक आउट साइड। कोई भी इंडियन गाड़ी में आपको ये ऐसा एक्सपीरियंस ओवरऑल नहीं मिलेगा। हल्का हल्का बारिश शुरू हो गया है एंड रौनक इज स्केयर्ड ऑफ गेटिंग वेट। तो अभी हम इसका रूफ लगा लेते हैं वापस एंड आपको मैं उसका टाइमिंग दिखाता हूँ कि लगाने में कितना टाइम लगता है। लगाने में हल्का सा थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, बट देखते हैं टाइमर लगा के ही हम देखेंगे एग्जैक्टली टाइम लगता कितना है। सो लेट्स डू दिस। टाइमर लगा दिया है अभी। अभी सारे विंडोज तो लग गए हैं, अभी फाइनल इसका लैच हम लगा देंगे। ये लैच ऑलरेडी हुक कर दिया है, उसे बस पीछे लेते वक्त आपको संभालना है क्योंकि इसकी स्प्रिंग एक्शन है, आपका उंगली बीच में आ जाता है तो काफी इंजरी हो सकता है आपको। तो ये लग गया, सिमिलरली ये लग गया एंड वी आर रेडी टू रोल। इसको सरप्राइजिंगली कम टाइम लगा है बंद करने के लिए, जो हमको खोलने के लिए लगा ये अभी मैं स्टॉप कर देता हूँ 4 मिनट 37 सेकेंड्स। सो अराउंड 5 मिनट्स खोलने के लिए, 5 मिनट्स लगाने के लिए, बट थोड़ा सा मेहनत का काम है, थोड़ी सी करतब करनी पड़ेगी आपको। सो इन कंक्लूजन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इफ यू वांट टू गो फॉर द थार, आंखें बंद करके आप थार ले लीजिए। दिस इज माय वर्ड एंड ओनर्स वर्ड फॉर इट। एंड आप कोई भी उसमें ये मत रखिए, डाउट मत रखिए कि ये गाड़ी मैं अर्बन स्पेसिस में यूज कर पाऊंगा या नहीं। इसे ऑफ रोड तो ऑब्वियसली ले जा सकता है, अर्बन में भी आप बहुत कंफर्टेबली चला लेंगे इसको। बस आप एक अच्छा सा एक टेस्ट ड्राइव ले लेंगे, देन यू विल गेट टू नो द फील ऑफ अ पेट्रोल एज वेल एज अ डीजल थार। डीजल में जैसे मैंने बोला कि थोड़ा बहुत माइलेज ज्यादा मिलेगा, पेट्रोल में कम मिलेगा, दैट इज अप टू यू, पर्सनल चॉइस। एंड टू रैप दिस वीडियो अप, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है अबाउट द थार। हर एक ओनर का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, हर एक के प्रोज एंड कॉन्स अलग अलग हो सकते हैं, बट दिस इज माई ऑनेस्ट रिव्यू, बट दैट इज ऑल राइट। द राइडिंग कम्फर्ट एवरीथिंग, द presence of this car, everything beats the cons of this car. So thank you for watching. मैं मिलता हूँ अगली बार। जैसे कि मैंने पहले भी mention किया हुआ है, मैं एक diesel थार का जो hard top थार है diesel, उसका एक video बनाऊंगा hopefully with my dad. Let's see how that goes. Until then, take care. Catch you in the next one.